कहो तो कभी कैसे लिए। हम लोग आए थे सुबह में, सो गए 2-3 घंटा, सोए, धूप निकला तब नींद खुला, इतने रात में उठे थे तो। और अब ये कुछ बोल रहे थे हमसे, तो हम बोले ठीक है, हम कैमरा ऑन करते तो बोलिए, बोलती बंद रहती थी। ऋषभ उठो, गाइस बाय बाय रूम। बाय रूम। हम इस रूम में 2 दिन अच्छा वक्त गुजारे, इसलिए बाय बाय रूम। और यहाँ से निकल के थोड़ा सा घूम घाम करेंगे पटना का, 20-25 मिनट ही घूमेंगे, उसके बाद पटना से निकल जाएंगे। तो बाय बाय पटना, लिट्टी अच्छा चोखा। रहा हम लोग का सफ़र इस बार का। तो लिट्टी चोखा से ली आते थे हर बार तो ऐसे ही आते थे, काम से निकल जाते थे काम करके, लेकिन इस बार रहे हैं तो। चल नेहा निकल ना, बाय बाय। देखिए आधे रात में हम लोग चोर की तरह गए थे इसको लाने के लिए और बादशाह की तरह हम 5-7 जा रहे हैं। मैं चल निकल। तू सिर्फ ये देखिए इसको ये भटक रही है, पटना नहीं देखी थी ना, देख रही है अच्छे से, कोई बात नहीं, देखने देते हैं। पटना का गली जो देख मुंबई से आते हैं उसको पटना देखने का बहुत शौक है, हमारा पटना है ये ऐसा हमारा बिहार है ना सुंदर। मालिक गुड मॉर्निंग बोलना है। गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत सोते हैं, बाप रे बाप, उठाने में तो हमारा हालत खराब हो जाता है, उठते ही नहीं रहते हैं, बच्चे का क्या करे, बाप रे बाप। यहाँ पे अभी सब अमरुद का नाश्ता कर रहे हैं, अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, और हमारा सबसे फेवरेट फ्रूट है ये अमरुद। जब जाना होगा तो यही पटना ही ट्रेन पकड़ना पड़ेगा कि उधर से कोई ट्रेन है? अलग अलग है, दरभंगा से लेबे टिकट। अभी हम लोग रुके हैं खाने खाने के लिए, मम्मी निहाती जी इधर, भाई जी हेलो, कुछ नहीं रिप्लाई। चलो खाली जगह है, हालत खराब हो गया, बैठे बैठे खुला रहा, देखो खुला रहा, एक मैंने ऐसे इसने ऐसे उठाया आधी रात तक, तो जागे रह गए, पूरा देर सोए, सुबह हो गए। उसका भी कल व्रत था। शिवम खिड़की लगा ना, खिड़की लगा ना, अरे आवाज नहीं बजाई, बजेबो नहीं करे, हाँ बस तो ये हालत है। अभी लोग अभी हम लोग नेपाल एंटर कर चुके हैं, इधर मम्मी पापा और भाई जी दीदी सब, गाड़ी जा रहा। ये बॉर्डर है हमारे नेपाल और भारत का, देखिए नाश्ता बन रहा है गरम गरम।
आ जाइए आप लोग नाश्ता कर। हमारा हालत देखिए सूखा क्या, लोग बाल्टी में पानी जो तो पापड़ बन गए सब सूखा के, जब निकले तो हीरोइन बने हुए। मैं आलू तो बोरा बन चुका और आजू का वीडियो आप लोग देखे होंगे ना, चार पांच बैग के ऊपर सोई थी। हाँ? अगर हाँ अगर कोई गाड़ी चेक करता तो बोलता इस बच्चे को किसी ने किडनैप करके रखा है। पैसा दे नेपाली पैसा। बहुत दिनों के बाद आज देख रहा हूँ, ये झूठा बात है, बहुत दो तीन दिन पहले देखा था मेरे दोस्त के पास। आज नेपाल में नेपाली पैसा पहुँच के बाद हम लोग अपने घर गेट पे बेल बजा रहा है।